मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के सिरोंज थाने के अंतर्गत शनिवार को अल्प प्रवास पर सिरोंज पहुंची यादव महासभा के प्रदेश प्रधान महासचिव दामोदर सिंह यादव ने पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में चर्चा करते हुए कहा कि इस विधानसभा में बड़ी संख्या में यादव हैं, मुझे नहीं पता क्यों फिर भी यादव प्रतिनिधित्व क्यों नहीं कर रहे। हमारा सिरोंज विधानसभा से किसानों की बात करने वाला, किसानों की लड़ाई लड़ने वाला कोई किसान का बेटा विधायक बने, यही नहीं यादव ने जातिगत जनगणना को लेकर कहा कि सरकार आखिर जातिगत जनगणना से क्यों घबरा रही है, क्योंकि जिस दिन जातिगत जनगणना होगी और देश को पता चलेगा कि यादव की संख्या क्या है, सरकार को डर है कहीं संख्या सामने आने के बाद यादव प्रधानमंत्री पद की दावेदारी ना करने लगे, क्योंकि देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में यादव समाज है। उन्होंने कहा कि मैं अतिशीघ्र मुख्यमंत्री व अन्य नेताओं से जातिगत जनगणना की मांग को लेकर मिलूंगा, यदि मांग पूरी नहीं हुई तो मैं ग्वालियर से लेकर भोपाल तक यात्रा करूंगा। इसके युवा यादव महासभा के प्रदेश महामंत्री रूपेश यादव ने अतिथियों को पुष्पमाला व पगड़ी बांधकर स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। देखिए विदिशा से प्रदीप प्रजापत की रिपोर्ट। तो कहूँगा कि यहाँ सिरोंज में भी यादव रेल के इंजन का काम करे और सारी जाति, सारे वर्ग, सारे लोगों को, किसानों को साथ लेकर नेतृत्व करने का काम करे। लेकिन नेतृत्व यादव को मिलेगा तभी जब वो गरीब के दुख सुख में शामिल होगा, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगा, उसकी चिंता नहीं करेगा। और यादव को नहीं चाहिए, क्योंकि हम कृष्ण वंशज लोग हैं, हम तो जेल से भी नहीं डरते, जेल में ही तो जन्मे हुए लोग हैं, तो अन्याय अत्याचार से डरने वाले लोग नहीं है। मैं तो सभी नौजवान यादव साथियों से कहूँगा, गांव-गांव निकलिए, संघर्ष करिए, आंदोलन करिए, चक्का जाम करिए, धरना प्रदर्शन करिए, तालाबंदी करिए सरकारी दफ्तरों की, मुझे बुलाइए, मैं आने का काम करूँगा और एक से ईंट बजाने का काम भी करूँगा। मैं यहाँ पे पार्टी की बात ना करते हुए मैं एक ही बात करता हूँ कि जनता के हित की लड़ाई लड़ने के लिए मैं सदैव तत्पर हूँ। मेरे साथी जब मुझे बुलाएंगे तब मैं इस सिरोंज में आ जाऊँगा, और एक बार आ जाऊँगा तो अधिकारियों के होश ठिकाने आ जाएंगे जिस दिन आ जाऊँगा।